तो हमारे पास आ गया है Realme C21 Y। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस फोन में आप लोगों को बहुत सारे फीचर यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम लोग Realme C21 Y को यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कि इस फोन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलोगे, जो कि इस फोन के डॉक्यूमेंट्स सब है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे आ गया है मेरे हाथ में यहाँ पे Realme C21 Y। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि इस फोन का लुक कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को मिला, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे सॉफ्ट आप लोग को देखने में लग रहा है। तो क्या इस फोन के नीचे में बात करें तो इस फोन के नीचे में आप लोगों को ईयरफोन जैक और चार्जर पिन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और बैक में ही आप लोग को यहाँ पे स्पीकर भी देखने को मिलता है, और अगर नीचे पीछे में आप लोग यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिससे आप लोग अपने फ़ोन को यहाँ पे लॉक अनलॉक कर सकते हो। और इस फोन के कैमरे की बात करें तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस फोन का कैमरा आप लोगों यहाँ पे स्क्वायर टाइप का देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को 3 कैमरा देखने को मिलता है, उसमें से एक यहाँ पे फ्लैश लाइट रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाएं साइड में आप लोग को सिम कार्ड स्लॉट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग 2 सिम कार्ड एक माइक्रो एसडी कार्ड को आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। और आप लोग राइट साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे आप लोग का वॉल्यूम बटन और पावर बटन आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्या चलिए आज हम लोग इस फोन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसका स्क्रीन काफी ज्यादा यहाँ पे सॉफ्ट आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, काफी ज्यादा स्पीड आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जब भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐप पहले से रहते हैं, और इस फोन के नोटिफिकेशन सेंटर अभी आप लोग देख सकते हो कि काफी ज्यादा यहाँ पे अमेजिंग देखने में लग रही है। इस फोन के मेरे को एक प्रॉब्लम लगी गाइज, इस फोन नोटिफिकेशन लाइट यहाँ पे नहीं चलता, तो गाइज मेरे को बहुत ही ज्यादा खराब लगती है। गाइज आप लोग कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इस फोन के स्टोरेज की बात करें तो कह जाए 4+64 GB, जो कि मेरे हाथ में भी आप लोगों को देखने को मिला होगा। तो इस फोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में प्रोसेसर आप लोगों को ऑक्टा कोर प्रोसेसर आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलेगी। इस फोन की बैटरी की बात करें तो इस फोन की बैटरी आप लोगों को 5000 mAh की मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी यहाँ पे है। तो इस फोन में आप लोग देख सकते हो इस फोन में बहुत सारे कैमरा मोड आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जबकि आप लोग यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। गाइस आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, क्योंकि जब आप लोग इस फोन से कुछ पिक्चर्स लिया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आप लोग यहाँ पे देखने में लगेगी। तो इस फोन की वीडियो क्वालिटी की बात करें तो आप लोग इस फोन की एक वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अमेजिंग आप लोग का देखने को मिल रहा होगा। तो आप लोग इस वक्त तो इस फोन के चार्जर की बात करते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फोन के चार्जर आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा, एक एडाप्टर और एक यहाँ पे यूएसबी केबल आप लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग बता सकते हो आज आप लोगों को फोन कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।